सब लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ टॉप 3 एप्लीकेशंस ऑफ द वीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के अंदर जो मेरी पहली एप्लीकेशन है वो है व्हाट्स गैलरी। बेसिकली हर कोई व्हाट्सअप यूज़ करता है तो आपको एक जो एप्लीकेशन है जरूर यूज़ करनी चाहिए। इसके मैं फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्टोरी डाउनलोड, अगर किसी ने कोई भी यहाँ पर स्टेटस लगा रखा है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल जाएंगे, जो भी आपने वॉच करी होगी फोटोज या वीडियोज वो आपको यहाँ पर सिंपल दिख जाएगी और आपको डाउनलोड बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छा ऑप्शन जो है इमेजेस का। इमेजेस ये होता है कि कई बार आप कोई भी व्हाट्सअप से फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारे जो फोटोज आते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर आप एक ही पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो सारे फोटोज हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे आपने जो रिसीव करें वो दिखाएगा, जो आपने किसी को सेंड करें आप ऊपर जाके सेंड पर जाके चेक कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिखा देगा। वीडियोज का भी सेम रहेगा, आपको ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपको गैलरी में जाके बार बार पीछे में जाके देखना है। जिप फाइल कहीं से मिले, स्टिकर कहीं से मिले, आप यहाँ से जाके इसे सेलेक्ट करके यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं किसी और एप्लीकेशन पे। ओके, लिस्ट के अंदर जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है कोर्स पैक्स। बेसिकली इस एप्लीकेशन का बहुत ही अमेजिंग यूज़ है। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका फ़ोन क्या क्या चीज़ें कर सकता है। लेट सपोज़ कि मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे, इसके अंदर जो है ऑप्शन दे रखा है सेंसर्स। आपको ये बता देगा कि आपके फ़ोन के अंदर कितने सारे जो है सेंसर्स होते हैं। ये देखिए आप एक्सेलेरोमीटर, अजीब अजीब तरीके कोई भी सेंसर देख सकते हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या सेंसर कौन से सेंसर सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट का जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो अपनी जो स्क्रीन को टेस्ट कर सकते हैं। मैं बता दूँ मल्टी टच, जैसे कि मल्टी टच पर आप कहीं पर क्लिक करें, मैंने एक फिंगर से टच किया तो एक फिंगर यहाँ पर बना हुआ आ गया, तीन फिंगर से करूँगा, तीन चार, मतलब ये दिखाता रहेगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो कम्प्लीटली वर्किंग फाइन है। ओके, तो इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से तो जो आपको जरूरी यूज़ कर लेनी चाहिए अगर आप किसी का पुराना फ़ोन खरीदने वाले हैं या अपना फ़ोन बेचने वाले, तो ये बहुत ही अच्छी एक एप्लीकेशन है। आपको बता देगी आपके फ़ोन में क्या कमी है क्या अच्छाई है, और काफ़ी सारे गैजेट्स इसके अंदर हैं। इसके अलावा लिस्ट के अंदर जो मेरी तीसरी एप्लीकेशन है जिसका नाम है सिलेक्शन, स्क्रीनशॉट फंक्शन इज अवेलेबल। बेसिकली मैं बता दूँ, एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आप किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर ईजिली जो है यहाँ पर मैं बता दूँ कि चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे इनेबल करा है, तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा मेरे पास ऊपर आ गया स्क्रीन कैप्चर सिलेक्शन का। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि आपको इसे यूज़ करना कैसे करना है। तो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे आपको क्रोम की साइड। क्रोम पे आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर जो इनेबल बटन है इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीनशॉट का। तो बेसिकली इस स्क्रीनशॉट के अंदर जो भी चीज़ें मैं इजीली यहाँ से इसे कैप्चर कर सकता हूँ, मतलब इसके तो फाउंट है वो कॉपी कर सकता हूँ। और कई बार जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले, जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ रिजल्ट 103, बस इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो जो मेरा स्क्रीन कैप्चर होगा इतना सही होगा। बहुत ही एक अमेजिंग से एप्लीकेशन, आप किसी भी यहाँ से मैं बताऊँ तो किसी भी आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों तीनों एप्लीकेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच।